आई केम का हुआ समापन। रोटरी क्लब मकराना के तत्वाधान में चल रहे आई कैंप में आज चौथे दिन सभी पेशेंट की आंखों की पट्टियां खोलकर और उनकी आंखों की जांच की गई। सभी को महीने भर की आई ड्रॉप और मेडिसिन दी गई। इसी के साथ समारोह पूर्वक मकराना रोटरी क्लब ने इस आई कैंप का समापन किया। आई कैंप में मुख्य अतिथि के तौर पर मकराना थाना अधिकारी श्री जितेंद्र जी चारण, मकराना के भामाशाह आजी शोका दले बाबूजी, लगनशाह हॉस्पिटल के सह सचिव रहमान जी रांदर ने संयुक्त अध्यक्षता की। मकराना रोटरी क्लब के असिस्टेंट गवर्नर और नितेश जैन ने मिलकर मंच का संचालन किया। लगनशाह हॉस्पिटल के मेडिकल स्टूडेंट, सरकारी हॉस्पिटल के सहायक नेत्र चिकित्सक को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सह सचिव रहमान जी रांदर ने मकराना रोटरी क्लब की पूरी प्रशंसा की और सीआई साहब जितेंद्र जी ने मकराना रोटरी क्लब को मकराना की सेवाभावी संस्था के तौर पर बहुत बधाई दी और इंसानियत के इस पुनीत काम को सर्वोपरि मानते हुए नर सेवा को नारायण सेवा का नाम दिया और भामाशाह अशोका थाली जी गहलोत दानी के रूप में सम्मानित किया गया। मकराना रोटरी क्लब के वर्तमान अध्यक्ष अब्दुल अजीज गहलोत ने अपने उद्बोधन में सभी आंखों से पीड़ित पेशेंट को खिदमत का मौका देने पर धन्यवाद अदा किया और समस्त स्टाफ का लगनशाह मेमोरियल हॉस्पिटल ट्रस्ट के पूरी टीम का और जो सेवी संस्थाओं से लोग आए उन सबको बहुत ही धन्यवाद दिया। समापन समारोह में मौजूद रहे मकराना रोटरी क्लब के अध्यक्ष अब्दुल सचिव कैलाश जी टांग, रामस्वरूप सोलंकी, रामप्रसाद सैनी, सिकंदर अली जी सिसोदिया, महमूद हसन जी सिसोदिया, कमल कंकानी, गंगाराम जी मेघवाल, ठाकुर मोहन सिंह, देवराज सोलंकी, दिनेश शर्मा, जाकिर हुसैन, शौकत बदाम, रफीक अहमद भट्टी कुरेशी, ए क्यू कुरेशी, ए जी पेलियन, श्री नीतीश जैन, कैलाश जी शर्मा एवं अन्य लोग मौजूद रहे। बच्चों से दूर रहना है, कुछ भी नुकीली चीज है, बच्चे की आंख पे मार है, इन चीजों से सावधानी रखनी है और बाकी चीजें अगर इनके बीच में कुछ भी तकलीफ होती है आपको तो उससे पहले आप दिखा सकते हैं वरना आपको 10 दिन बाद ही दिखाना है। इसके बाद 8 दिन बाद में एक फॉलो अप कैंप रखा जाता है जिसमें सभी पेशेंट को वापस बुलाया जाता है, बुलाकर उनकी जांच की जाती है, कुछ चेंज करने हो तो चेंज करने होते हैं या आपको जो परेशानी आ रही है वो आप बता सकते हैं। तो जिस तरह से हमें निर्देश आए कि आप उनको कूटामन के आई हॉस्पिटल में भेज दें तो हम मशीनों से थोड़ी चेक करके आपको दिक्कत होगी तो उसको सॉल्व कर देंगे, लेकिन हम अपनी तरफ से प्रयास करने की कोशिश करेंगे कि 8-10 दिन में हम उनको यही बुलवा लें तो आप लोगों को वहां जाने की परेशानी ना हो। अगर ये हो सका तो हम पूरी कोशिश करेंगे और उनको यही बुलवा कर जांच करवा देंगे आपकी। तो उसके लिए आप सभी के फोन नंबर हमारे पास है, जैसे ही डॉक्टर से बात हो जाती है वो यहाँ आने के लिए राजी हो जाते हैं तो उनको यहाँ बुलाकर और यहीं पे चेक करवा दिया जाएगा। आप ही पधारे और मैं कहूंगा भाई तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सदन को गुंजायमान कर दे। ये वो लोग हैं जिन्होंने निस्वार्थ भाव मैं मेरे साथी जनों से एक बार रोते दिन साथियों से सचिव मोदी अब आपके बिना ये सेवा करने का मौका संभव नहीं था। फिर मैं आपको एक बार और आपका आभार प्रकट करता हूँ और हर साल में एक बार होता है और आपका हो गया है तो आप अपने पड़ोसी रिश्तेदार परिवार कोई भी मेंबर हो तो आप उनको लाएं और इस हमारी चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाएं क्योंकि यह प्रोग्राम हम आपके लिए करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।